करनाल में गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास से मनाने के लिए शहर की नई अनाज मंडी में शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल की गई। इस मौके पर डीसी निशांत कुमार यादव ने ध्वजारोहण की रस्म अदा की और उपस्थित परेड की सलामी ली। समारोह की परंपरा अनुसार पुलिस विभाग की एक खुली जीप में डीसी ने सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया व परेड कमांडर डीएसपी राजीव कुमार भी थे। इसके पश्चात परेड में सम्मिलित सभी टुकड़ियां शानदार मार्च करते हुए मंच के आगे से गुजरी। याद रहे कि नई अनाज मंडी परिसर में 26 जनवरी के मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। फाइनल रिहर्सल में इसके बाद शहर की भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं के छोटे छोटे बच्चों ने सामूहिक पीटी का प्रदर्शन किया। मशहूर शायर इकबाल के कलाम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ पीटी का आगाज हुआ। इस दौरान भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फाइनल रिहर्सल के बाद डीसी ने जिला वासियों के नाम अपने संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे धूमधाम से मनाने के लिए 26 जनवरी के दिन सभी नागरिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। पुलिस अधीक्षक एसएस भोरिया ने कहा कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम रहेंगे। फाइनल रिहर्सल के मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम नरेंद्र पाल मलिक, नगराधीश डॉक्टर पूजा भारती सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट। को लेकर क्या इंतजाम आपकी बात? जी, आज जो है हमने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल रखी है। इसमें परेड की जो रिहर्सल है और साथ साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इवेंट के, इसके साथ हमने कल से ही स्पेशल चेकिंग और नाकाबंदी वो कल से ही स्टार्ट कर दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे जिले में किए गए हैं। सर, अब की बार परेड में पुलिस कैडेट कोर को भी शामिल किया जा रहा है, इसके बारे में? इसमें जो है होमगार्ड की टुकड़ियां हैं, हरियाणा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी टुकड़ियां हैं, एनसीसी है और नेशनल ग्रीन जो कोर है उसे भी इस बार शामिल किया गया। आज गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल थी, इसमें हमने परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होने हैं उनकी एक तैयारी की पूरी तरीके से। 26 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी चीफ गेस्ट होंगे, वो यहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे और गणतंत्र दिवस को बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। सर, अब की बार कोई अलग झांकी, कोई खास झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी? सारे के सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है लगभग 25 झांकियों का प्रदर्शन यहाँ पे होगा। और प्रोग्राम के बाद सिरसी गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम साहब दोनों जाकर के और टाइटल डीड का वितरण ग्रामवासियों के मध्य में करेंगे। सर, इस बार वासियों क्या अपील करेंगे? करनाल वासियों से अपील करेंगे कि ये जो दो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं साल में, ये हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, तो उनको धूमधाम से मनाएं और बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे जो जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।